नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। सीएनसीसी टीवी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर में क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन एनजीओ द्वारा सीएनसीसी टीवी न्यूज चैनल का लॉन्च किया गया। अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म करने और रोकने की मुहिम को लेकर चले आ रहे एनजीओ द्वारा अपनी आवाज देश की जनता आम आदमी तक पहुंचाने के लिए यह सुनहरा कदम उठाया गया। इस न्यूज चैनल का उद्देश्य आम जनता की समस्याओं को हल करने हेतु व उनकी समस्याओं की गुहार को प्रशासन तक पहुंचाने का है। अपराध और भ्रष्टाचार को बेनकाब कर आम जनता को सही आईना दिखाने का है। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना और दीप प्रागट्य से हुई। दूर दराज से आए मेहमानों का साल व फूल हार से स्वागत किया गया। क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट व सीएनसीसी टीवी न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश गुप्ता जी का साल फूल हार व तिलक कर स्वागत किया गया। प्रेसिडेंट माननीय दिनेश गुप्ता जी ने सभी कार्यक्रम को संबोधित किया व अपराध और भ्रष्टाचार को रोकने की मुहिम को आगे बढ़ाने और संस्था को साथ देने का सभी पदाधिकारियों को आह्वान किया। कार्यक्रम में भोजन प्रसाद का आयोजन भी किया गया। इस कार्यक्रम में क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट व सीएनसीसी टीवी न्यूज के मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश गुप्ता जी, गुजरात प्रेसिडेंट सीएनसीसी टीवी न्यूज मैनेजिंग डायरेक्टर कल्पेश आचार्य, गुजरात स्टेट वाइस प्रेसिडेंट दिलीप जोशी, गुजरात स्टेट वुमेन चीफ डिटेक्टिव ऑफिसर दीपिका बडोरिया मैडम, गुजरात स्टेट चीफ डिटेक्टिव ऑफिसर नरेंद्र प्रजापति, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट रिजवान सैयद, नेशनल लीगल एडवाइजर एडवोकेट अविनाश कुमार दुबे, नेशनल चीफ एडवाइजर राहुल कुड़िया, साउथ इंडिया प्रेसिडेंट महमूद एने, गुजरात एंड राजस्थान चीफ डिटेक्टिव ऑफिसर परबत चेतरिया, नेशनल चीफ मीडिया सेल महेश गुप्ता, नेशनल सेक्रेटरी रमेश गौड़, नेशनल विजिलेंस ऑफिसर तारा चंद्र गुप्ता, नेशनल चीफ साइबर क्राइम सेल निमित तन्ना, नेशनल एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट ऑफिसर बाबा भाई कुरेशी, नेशनल चीफ डिटेक्टिव ऑफिसर एंड एडमिन डिपार्टमेंट मनोज परमार। मेरे भाई, गुजरात स्टेट के प्रेसिडेंट क्राइम एंड करप्शन कंट्रोल एसोसिएशन और सीएनसीसी टीवी न्यूज चैनल के मैनेजिंग डायरेक्टर कल्पेश आचार्य जी, नीति आयोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये तीन तीन मिनिस्ट्री का पावर मिला। मैं यहाँ पे पार्टी का बात नहीं करूंगा। आज नरेंद्र मोदी जी नीति आयोग के चेयरमैन है, नीति आयोग के चेयरमैन है। जब नरेंद्र मोदी जी ने जब देश के प्रधानमंत्री की शपथ ली तो उन्होंने हिंदू देखा तो हिंदुस्तान में टोटल 200,000 एनजीओ थे। 200,000 एनजीओ में से उन्होंने 50,000 एनजीओ को रद्द कर दिया, क्योंकि उस एनजीओ में काला धन का व्यापार होता था। आतंकवादी के लिए पैसा एनजीओ के थ्रू इंडिया में प्रोवाइड किया जाता था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको देखा, उन्होंने 50,000 एनजीओ को रद्द किया और 150,000 एनजीओ को चलने की अनुमति दी। मोदी साहब ने अपनी टीम को आह्वान किया कि 150,000 लोगों में से कुछ ऐसे एनजीओ को चुन के निकालो जिनको हम अपने साथ रख के काम कर सके, जो भरोसेमंद हो। तो 150,000 में से मात्र 3400 एनजीओ को पारित किया गया, पास किया गया। और आपको बताते हुए खुशी हो रही दोस्तों कि 3400 एनजीओ में से हम 11वें नंबर पे काम कर। प्रदेश के तालुका अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी व आम जनता उपस्थित रहे।